King of the road, trader or sailor in. Man, trader or sailor in. Ain't got no cigarettes, but trader or sailor in. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो गाइस, आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा. आज मैं एक थार की इंस्टॉलेशन है. आई जस्ट वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू गाइस कि आपने मेरे को कितना प्यार दिया, कितना सपोर्ट करा कि आज आई एम एट 15,000 सब्सक्राइबर गाइस. माय ऑब्जेक्टिव वाज कि मैं 1,000 सब्सक्राइबर तक अपनी जर्नी पूरी करूंगा एंड आई फेल्ट कि बस दैट विल बी माय टारगेट. बट आज मैं 15,000 सब्सक्राइबर पे पहुंच चुका. आई फील लाइक दैट यू गेव मी एवरीथिंग गाइस, लाइक द रिस्पेक्ट दैट आई वांटेड, द ईच एंड एवरीथिंग व्हाट वाज आई वाज एक्सपेक्टिंग यू गेव मी. सो ट्रस्ट, सबसे बड़ी बात है गाइज, आई एम फुलफिलिंग द डिस्कोरियर्स फॉर पैन इंडिया. मैं सोच भी नहीं सकता था, पीपल दे आर ट्रस्टिंग मी एंड आई एम कीपिंग देयर ट्रस्ट. आई विल डू द मोर एंड मोर इंस्टॉलेशन, नई नई चीज़ें आपको दिखाऊंगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कोई मैं ऐसे कुछ चीज़ें ना दिखाऊं कि मैं कोई पर्टिकुलर कोई ब्रांड पुश कर रहा है या मेरे को काइंड ऑफ ब्राइब कर रहा था ताकि आप मेरे को दिखाई द प्रोडक्ट दैट एक्चुअली हैव सम पोटेंशियल या फिर कुछ उस प्रोडक्ट में कुछ जान होगी, डेफिनेटली मैं उस ब्रांड को प्रमोट करूंगा. सो गाइज, एक और इंस्टॉलेशन है. आज सब्सक्राइबर चाहते थे कि ही इज अ पॉलिटिशियन, सो ही डोंट वॉन्ट टू कम ऑन द वीडियो. दैट्स वाई कि आज मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा. आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कैसे आज थार में वायरिंग करी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा. मैं अपनी स्विफ्ट रेडी करी थी, स्विफ्ट लॉकडाउन में मैंने रेडी करी थी. जो भी मैं इन्फिनिटी रेफरेंस लगाया था गाइज, आज भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन्फिनिटी रेफरेंस, लाइक जो भी मैं आज हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फिनिटी रेफरेंस. इन्फिनिटी रेफरेंस ने मेरे को जो एक्सपोजर दिया है, जो मेरे को कस्टमर का एक 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 कनेक्ट करा है मेरे को, मैं कभी उस चीज़ को अपनी, ये मेरी जो स्विफ्ट मैंने रेडी करी, इट्स माई पर्सनल कार, जिस जो भी आज जिस जगह पे हूँ इस कार की वजह से हूँ. और मैं ये बताना चाहूँगा, ये कार चाहे कुछ भी हो जाए, एनीथिंग हैपन्स, लाइक ये मेरी एक डेमो कार रहेगी. आई वॉन्ट गोइंग टू सेल दिस कार बिकॉज जो भी मेरी इतनी जर्नी है, इतना आगे मैं आ चुका हूँ, वो इस कार की वजह से है. एंड अलॉन्ग विद दैट, रेफरेंस का बहुत बड़ा हाथ है. सो आई वॉन्ट गोइंग टू सेल दिस कॉम्पोनेंट्स. अगर बात करें आज की इंस्टॉलेशन की गाइस, मैंने आज हमने थार का ऑडियो अपग्रेड करा है. सो मेरे को ये थार से पहले ये था थोड़ा सा मिथ था कि थार में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती है, बट आई थिंक नाउ हमने इतनी थार्स कर दी हैं कि नाउ इट्स अ पीस ऑफ अ केक फॉर अस. आर टीम, आई हैव अ टीम ऑफ 8 पीपल जहाँ पे मेरे टेक्नीशियंस जो हैं वन ऑफ माय लाइक बैकबोन, कि जो भी आज मेरे को कहते हैं कि जो भी आप गाड़ी लीजिए, वी विल मेक द बेस्ट, वी विल पुट आवर एफर्ट्स. तो आई एम थैंकफुल टू माई टीम कि आज उन्होंने मेरे को इतना इस लेवल पे खड़ा करा, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है. सो गाइज, आज हम थार की तरफ हम अगर चलें, सो आज हमने थार में ऑडियो करा है. था वन ऑफ द फेवरेट काइंड हमने आज, अगर मैं आपको दिखाऊं, वन ऑफ आर फेवरेट काइंड गाइज जो हमने आज लगाया है, जेल ऑडियो के कॉम्पोनेंट्स लगाए हैं. यू कैन सी द फिट एंड फिनिश, ट्विटर्स हमारे गए हैं आगे. स्टॉक लोकेशन है, दैट इज द अप्रॉक्सीमेटली 6.8 इंच स्क्रीन. डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड स्क्रीन जहाँ पे हमने इसको ड्राइव करा है इस हेड यूनिट पे. अलॉन्ग विद दैट, 6 चैनल हमने हाई लो कन्वर्टर लगाया है. सीट के नीचे ही हमने इसकी इंस्टॉलेशन करी है. अब मैं आपको क्विकली इसकी इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ कि कैसे हमने इंस्टॉलेशन करी है. एंड अलॉन्ग विद दैट, फिर हम डिक्की में चलेंगे, डिक्की में दिखाएंगे कि कैसे सब ऊपर. लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि आप वायरिंग कैसे करते हैं. सो यू कैन सी द फिनिशिंग, द वे हाउ डू वी डू द वायरिंग इन थार. अभी पूरा फ्लोर भी हमने डैम्प करा है विद वाइब्रो फिल्टर 2.3 mm डैम्पिंग, वन ऑफ द टॉप लाइन डैम्पिंग बाय वाइब्रो फिल्टर. द क्वालिटी ऑफ द फॉइल फॉर दिस डैम्पिंग अलॉन्ग विद बोटाइल क्वालिटी इज सुपर्ब. लाइक हमने अभी सारी डैम्पिंग कंपेयर करी जो भी मार्केट में मेरे पास सब स्टॉक में आ चुकी है, बट एट द एंड ऑफ द डे द वाइब्रो फिल्टर 2.3 विन द जॉब. एंड डेफिनेटली इट्स far better than any other damping. Agar baat kare power cords, we have taken the power cord from the one side, another side we have taken the speaker wiring, and the
from the middle row we have taken the all the RCA cables, so you can see the neatness. Abhi we are placing the amplifier on the seat itself, so aapke samne hai, seat ke niche hi laga rahe hum. So aap dekhenge how the mono amp has been placed. So 400.1 we are installing, and again it's a very mobile amp. आप साइज देख सकते हैं कितना है, एक ही सीट के नीचे दोनों एम्प प्लेस हो रहे हैं. सो यू कैन सी द एम्पलीफायर. आई नो थोड़ी सी डस्ट आ गई है एम्पलीफायर्स के ऊपर, सो वील क्लीन इट दिस अप एंड बिफोर इंस्टॉलेशन. आप देख सकते हैं स्पीकर वायरिंग कैसे प्रॉपरली जा रही है. अगर पीछे की बात करें सो यू कैन सी पीछे भी पूरा डैम्पिंग करी है. सो यू कैन सी द नीटनेस हाउ वी हैव डन द वायरिंग एंड हाउ द एम्पलीफायर हैज बीन प्लेस्ड अंडर द सीट. सो लोग कहते हैं कि हमें पानी ऑफ रोडिंग के लिए हमें थार लेके जानी होती है. सो ऑफ रोडिंग के पर्पज से बहुत अच्छी चीज़ है ताकि पानी भी अगर आ रहा है सो योर एम्पलीफायर्स आर सेफ. सो वंस द बोथ द एम्पलीफायर आर प्लेस मैं आपको एक फाइनल आपके इसका दिखा दूंगा. रेस्ट वी आर इंस्टॉलिंग द मिशेटे M6C कन्वर्टर, वन ऑफ द टॉप नॉच हाइलो कन्वर्टर. सो एक बार सारी प्लेसमेंट हो जाएगी देन आई विल शो यू कैसे हम इसका फाइनल. सो गाइस दिस इज आवर मोनो एम्प, वेरी टाइनी एम्प, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करी है, फर्स्ट टाइम जलप करा है हमने सैंडस्टॉर्म 400.1 एंड JL ऑडियो 350 RMS का जो सबवूफर है 10 इंच. वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन यूनिट एंड इफ यू टॉक अबाउट द रिजल्ट्स इट्स फैबुलस, लाइक नो वन कैन बीट दिस सबवूफर इन दिस रेंज. अप्रॉक्सीमेटली 13.5 का आपका सबवूफर आ जाता है विद इनक्लोजर एंड इट इज़ प्री ट्यून्ड बाय द JL ऑडियो, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट ट्यूनिंग एंड ऑल दैट. एंड इफ यू टॉक अबाउट द 400.1, येस डेफिनेटली रिजल्ट आर सुपर सुपर अमेजिंग. एंड अगर 4 चैनल की बात करें, दीज 2 पेयर ऑफ कॉम्पोनेंट आर बीन ड्रिवन ऑन दिस वाइब एम्पलीफायर. अगेन इसकी भी फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन एंड द कॉम्बिनेशन इज वेरी वेल. अर्लियर इट वॉज सर्विन वेगा बट वी हैव चेंज दिस एंड द रिजल्ट आर वे मच बेटर अलॉन्ग विद दैट. येस इन अर्लियर इट वॉज वाइब एंड वी हैव चेंज टू सैंडस्टॉर्म. अगेन इट्स गिविंग द बेस्ट. सो अब अंदर की तरफ चलते हैं, एक बार मैं आपको NCS पे रिजल्ट दिखा देता हूँ और ओवरऑल कॉस्टिंग बता देता हूँ. गाइज आपने NCS पे रिजल्ट देख लिया होगा कि कैसा आपको रिस्पांस आया, कैसे आपको लगा कि जो मिरर की रैटलिंग थी, कैसे आपको क्लैरिटी लगी, कैसे वोकल्स लगी, कैसे आपको आज इसका बेस आया. सो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स गाइज. अगर बात करें कॉम्बिनेशन थार में, अगर रिस्क ना लेना हो,
और परफेक्ट सेटअप चाहिए हो तो आई थिंक टू पेयर्स ऑफ जेएल ऑडियो C1 प्लस जेएल ऑडियो सबवूफर इज परफेक्ट. एम्पलीफिकेशंस पे यस सर्विन वेगा वाइब अ 60 आरएमएस डिसेंट एम्पलीफायर विल डू अ परफेक्ट जॉब एंड 350 आरएमएस आपका सबवूफर है तो यू कैन ऑल्सो एड अ सबवूफर दैट इज 300 टू 350 और 400 तक हम जा सकते हैं. सो दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड सेटअप गाइज, दिस इज लाइक नेवर फेलिंग सेटअप, आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं, यू विल नेवर रिग्रेट. यस एक प्रीमियम करना है सो इंस्टेड ऑफ C1 यू कैन ऑल्सो प्लान फॉर C2. C2 अप्रोक्सीमेटली जो बजट है अगर हमारा जेएल 10,000 का पेयर है सो दैट विल बी द डबल ऑफ इट, ऑलमोस्ट डबल ऑफ इट. सो यस इट्स अ वेरी गुड सेटअप. ये अगर सेटअप की बात करें अप्रोक्स एक फिगर्स दे देता हूँ, अभी हमारे जो कार में कॉम्पोनेंट्स लगे हैं 20,400 दो पेयर लगे हैं. इफ यू टॉक अबाउट दी सबवूफर 13.5 डैम्पिंग 15 शीट्स लग गई हैं अप्रोक्स 11,000 का एक्सपेंस आया है. एम्पलीफायर 1 एम्प इज फॉर 8,500 द मोनो एम्प. इफ यू टॉक अबाउट दी 4 चैनल दैट इज समवेयर अराउंड फॉर 95 to 9,800 रुपीज. एंड वायरिंग स्पीकर वायरिंग जो टोटल सेटअप पूरी कॉस्टिंग आई है 76,000 रुपीज आई है. येस गाइज इट्स अ वैल्यू फॉर मनी. इफ आई प्लान लाइक यू कैन से इफ आई प्लान फॉर थार इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली गो विद दिस सेटअप. दिस इज अ परफेक्ट एंड यू कैन से लाइक रिलायबल सेटअप विच यू कैन रिलाई टू. सो इसी के साथ गाइज अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगे हो, आपको लगे वो वीडियो इन्फॉर्मेटिव था सो डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑटोमोबाइल गुरुजी साइनिंग ऑफ. बाय बाय.